वेलकम टू आज क्या बनेगा। आज हम बना रहे हैं कुछ ऐसा जो हमें एमरजेंसी सिचुएशन में यूज़फुल होता है, जैसे कि जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो या फिर आप रोज़ रोज़ सेम सब्ज़ी खाकर बोर हो गए हो, सभी सब्जियों में एक जैसा स्वाद आने लगा हो, तो आप क्या कर सकते हैं। आप ये वाली तीखी मिर्चें छोंक करके बना सकते हैं। ज़्यादातर ढाबों में ये सब दिया जाता है खाने के साथ, जिसकी वजह से अगर आपकी सब्ज़ी में नमक कम ज़्यादा है, मिर्ची नहीं है, खाना थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है, तो भी इन मिर्चों से स्वाद आ जाता है। तो आइए बनाते हैं यूपी स्टाइल छोंकी हुई मिर्चें। इसके लिए मैंने ली है 250 ग्राम्स मोटे वाली मिर्च, उनको बीच में से फाड़ लिया है। आप चाहें तो एक में से दो टुकड़े भी कर सकते हैं। बीच में से फाड़ लेने से मसाले जो हैं इस मिर्च के अंदर चले जाएंगे, तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च, 2 चम्मच भर के पंचफोरन डालेंगे। आप पंचफोरन को पिसे हुए फॉर्म में ले सकते हैं, पाउडर करके भी ले सकते हैं। ये देखिए, मिर्च को कुछ इस तरीके से आप खोल लीजिए। बस अब हमने लेनी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालना है 50 से 70 ml तक सरसों का तेल। तेल को गर्म हो जाने दें, 1-2 दाना डालकर देखें, चटक रहा है तो यानी तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब डाल देंगे 1 चम्मच पंचफोरन, जो मैंने आपको दिखाया है, उतना काफ़ी नहीं है तो हम 1 चम्मच और भी डाल देंगे पंचफोरन का ही। पंचफोरन के अंदर सौंफ, जीरा, काली सरसों, मेथी दाना और साथ ही साथ मंगरेल या फिर कलौंजी होती है, जो काले काले सीड्स होते हैं वो। पंचफोरन के लिए अगर और जानकारी चाहिए हो तो मेरी एक और वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे ही पंचफोरन बढ़िया से भुन गई है, खुशबू आने लगी, तो हमने डाल दी है हरी मिर्च और तुरंत ही हमने इस पर ढक्कन लगा दिया है, क्योंकि हरी मिर्च की झार उड़ेगी तो उससे खांसी आती है। अब आप यहाँ पर इसको 5 मिनट बाद चला करके देखिए, मिर्ची कुछ कुछ पक जाएगी। जैसे ही आपको लगे कि मिर्ची का कच्चापन चला गया है, उसके बाद आप सारे सूखे मसाले डाल दीजिए। इसके अंदर आप चाहें तो एक चुटकी हींग भी डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च की अमाउंट बढ़ा लीजिए, और कलर बहुत अच्छा लाना चाहते हैं तो देगी लाल मिर्च का 1 चम्मच भर के वो भी डाल लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं, थोड़ा खट्टापन बढ़ जाता है, या फिर नींबू भी निचोड़ सकते हैं बना लेने के बाद। ये जो अचार है, एक बार आप बना करके रख लीजिए, और जब भी कभी खाना बनाते समय आप ज़्यादा मिर्च मसाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपल से खाने के साथ आप ये चटपटी मिर्चें सर्व कर सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए, चाहे आप कितना भी खाना बनाए, अगर ये मिर्च बना करके सर्व कर देंगे तो खाने पर 4 चांद लग जाएंगे। सभी इस मिर्च को खा सकते हैं, आप इसको बहुत ही एंजॉय करेंगे। अगर आपको ये बनाई हुई मिर्चें पसंद आ रही हैं तो ज़रूर बना करके देखिएगा। ये सभी लोगों के लिए कॉमन है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सभी तरीके के लोग इसे बना सकते हैं। इस मिर्च को बनाने के बाद एयर टाइट जार में रख सकते हैं, मगर ठंडा होने के बाद आप इसे फ्रिज में रखकर कम से कम 1 से 2 महीने तक चला सकते हैं, अगर ये कंज्यूम नहीं हो पाती है। लेकिन अगर एक बार ये बन गई तो आप यूँ समझ लीजिए कि बाकी सब अचार रखे रहेंगे, और ये मिर्च सबसे पहले टिफ़िन में भी जाएगी। हर बार आपकी डाइनिंग टेबल पर हर थाली में एक मिर्च ज़रूर नज़र आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो और बहुत सी वीडियोस हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, उन्हें ज़रूर देखिए। जो भी रेसिपीज़ हैं ट्राई करके देखिए, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट के थ्रू शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलूंगी एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना